नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की इस खबर में हम दो तीन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और तीनों के तीनों मुद्दे जो है वो काफी अहम है। पहला मुद्दा है चुनाव आयोग की गड़बड़ी का, दूसरा मुद्दा है बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर को मिले डिफॉर्मेशन नोटिस का, और तीसरा मुद्दा है वो है बहुजन विकास आघाड़ी में हो रही इनकमिंग पर बढ़ती दूसरी पार्टियों के टेंशन का। तो बात करते हैं सबसे पहले मुद्दे की। पहला मुद्दा ऐसा है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है, और ये बात हमने उठा रहे हैं। ये बात बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट वायरल करके उठाई है। दरअसल आप देख सकते हैं फोटो में, एक वोटर लिस्ट का आपको फोटो दिखाई दे रहा है। इस वोटर लिस्ट में एक ही पेज पर एक महिला का नाम एक से अधिक बार, कई बार है, कम से कम 6 बार है। उस महिला का नाम है सुषमा गुप्ता, आप देख सकते हैं उसका नाम और फोटो, एक ही महिला का नाम 6 बार है। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी मानी जा सकती है। इस तरह की गड़बड़ी को डुप्लीकेट एंट्री कहा जा सकता है, लेकिन डुप्लीकेट एंट्री कभी कभार एक से अधिक बार हो जाती है। लेकिन डुप्लीकेट एंट्री का ऐसा है कि एक से अगर 2 बार हुई तो उसको मान सकते हैं कि वो डुप्लीकेट हुई रहेगी। ये सरासर बड़ी चूक है जिस पर चुनाव आयोग को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग जब दावा करता है कि हम किसी गड़बड़ी में, हमारे सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, तो ये गड़बड़ी कैसे सामने आई? और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण होंगे? इसके असर क्या पड़ने वाले? तो इसके असर सीधा सीधा ये है, एक्चुअल वोटर की संख्या बढ़ जाती है अगर डुप्लीकेट एंट्री है तो। दूसरी बात, एक्चुअल वोटर के बाद में एक्चुअल वोटिंग परसेंटेज है उसमें फर्क आता है। तो ये वोटिंग जो है हमारे देश की दिशा तय करता है। ऐसे में इस तरह की वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर। इस मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसी गड़बड़ी क्यों होती है? आजकल हर एक चीज डिजिटल है, हर एक चीज कंप्यूटराइज्ड है, तो क्यों नहीं कंप्यूटर में ऐसा कोई फिल्ट्रेशन है कि एक एंट्री होने के बाद इस तरह की डुप्लीकेट एंट्री ना हो, या किसी ने जानबूझकर की है? सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग ने जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की, वोटर लिस्ट प्रकाशित की, उसके पहले उन्होंने जांच नहीं की? क्या किसी अधिकारी कर्मचारी की इस चीज पर नजर नहीं गई कि इस तरह से एक ही महिला का नाम एक ही पेज पर 6 बार है? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक सवालिया निशान है जिस पर चुनाव आयोग गिरता दिखाई दे रहा है। बात करें हम दूसरे मुद्दे की, तो दूसरा मुद्दा हमने जैसा बताया हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख, उनको एक नोटिस मिला है डिफॉर्मेशन का, 5 करोड़ का नोटिस। तो आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले हितेंद्र ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें उन्होंने पालघर के पालक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र चौहान पर वसूली के आरोप लगाए थे। उस आरोप के बाद दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हितेंद्र ठाकुर को चैलेंज किया था कि आप इन आरोपों को सिद्ध करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजेंगे। तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र चौहान के वकील ने बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर को एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस में 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया। अब इस नोटिस के बाद बहुजन विकास आघाड़ी सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ने फिर अपने चिर परिचित अंदाज में एक चैनल को यह कहा कि चाहे नोटिस भेजा है लेकिन मानहानि उनकी नहीं हुई, बल्कि मानहानि इन्होंने नोटिस भेजकर मेरी की है, और जो मैंने आरोप लगाए कहीं ना कहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने वो माना है कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर हो या अलग अलग सेल हो, हमने उनकी मीटिंग की है। तो बहुजन विकास आघाड़ी सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ने यह कहा कि मैंने भी यही आरोप लगाया था कि इन्होंने मीटिंग ली है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये थी बात बहुजन विकास आघाड़ी सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर को मिले नोटिस की। अब बात करते हैं तीसरी चीज, बहुजन विकास आघाड़ी में इस समय जोरों शोरों से इनकमिंग शुरू है। आप सोच रहे होंगे इनकमिंग किस चीज की? तो आपको बता दें, आज 18 मई है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और कल तक बहुजन विकास आघाड़ी में इनकमिंग चालू थी। भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना उद्धव गुट के लोग हो, अपनी पार्टी छोड़कर बहुजन विकास आघाड़ी में पक्ष प्रवेश ले रहे थे। इसके फोटो और तस्वीरें भी आए हैं। एक फोटो आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय मोर्चा के बड़े पद पर रह चुके प्रदीप यादव है, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ बहुजन विकास आघाड़ी में इस समय पक्ष प्रवेश किया है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे, ये जो है वो कामण क्षेत्र के पूर्व सरपंच हैं, इन्होंने भी बहुजन विकास आघाड़ी में पक्ष प्रवेश किया है।
साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी को अनेक संस्थाएं अपने प्रतिम्बा का समर्थन का पत्र सौंप रही है, वो पत्र भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी में इनकमिंग शुरू होने और उनको समर्थन मिलने से महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही इस समय टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ये थी हमारी तीन खबरों पर आपकी राय कैसी है हमें कमेंट में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं, आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।